हेलो गाइस, वेलकम टू के क्रिएशन। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का डोसा है। आप सोच रहे हैं बनाना डोसा है तो ये वाटरमेलन इधर क्या कर रहा है, पर ये वाटरमेलन के ही हम इसके जो स्किन निकालेंगे उसके ही डोसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये वाटरमेलन लिया है। अब इसको मैं इस तरह से पीस में कट करूंगी और इसका ये जो रेड वाला पार्ट है ये तो हमें खाने में गर्मी में बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये रेड वाला पार्ट मैं निकाल दूंगी। और बाकी जो ये पार्ट है इसकी जो ये डार्क स्किन है, अगर आपके पास लाइट स्किन वाला ये वाटरमेलन है तो चलेगा, अगर डार्क स्किन है तो इसको जरा सा इस तरह से रब कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। ये देखो कितना आराम से निकल गया है। पूरे जो वाटरमेलन के छिलके हैं इन सबको इस तरह से मैं पील कर लूंगी। तो मैंने ये सब का छिलका उतार लिया है। देखो इस तरह से डार्क स्किन थी, अब मैंने इनको थोड़ा सा हल्का हल्का पील किया है तो देखो कितना स्मूथ और साफ हो गया। ठीक है, अभी देखो हम नहीं तो छिलका हम इसके वाटरमेलन के फेंक देते हैं, पर ये छिलके इतने यूजफुल हैं ये हमें कभी पता ही नहीं चला। तो मैंने एक बार ट्राई किया, बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूं। तो अभी इनके सबके छोटे छोटे पीस करूंगी। इन सबके मैंने पीस बना लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये ग्राइंडर जार लेंगे, इसमें ये सब पीस डालेंगे और इनका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे मैंने ये हाफ जार लिया है तो इस हाफ जार में एक चम्मच बड़ा राइस पाउडर और एक बड़ा चम्मच सूजी, कोई भी, जैसे सूजी जो भी मोटी या पतली कोई भी हो वो भी चलेगी इसके साथ, हम ग्राइंड वैसे ही करेंगे। तो ये इसमें एक बड़ा चम्मच सूजी और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच बेसन, पूरा एक चम्मच भर के इसमें डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बिल्कुल अभी पानी, इसको कवर करके एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे ग्राइंडर जार में। ये देखिए इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है, सिर्फ हमने दो चम्मच जितना पानी डाला था उसी से ये पेस्ट बन चुका है। ये हम एक बाउल लेंगे उसमें डालेंगे और जो बाकी भी हमारा जो है वाटरमेलन के छिलके रहे उनका भी एक साथ पेस्ट बना लेती हूँ मैं। ये हमारा डोसा बैटर रेडी हो चुका है। देखो मैंने ये पूरा सबका पेस्ट बनाया, ये अभी बहुत ही थिक लग रहा है तो उसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, दो चार चम्मच जितना पानी डालूंगी ताकि ये स्मूथ हो जाए। और अब इसके साथ में ऐड करूंगी हाफ चम्मच जितना सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब डालिए, इसमें ये थोड़ा कड़वा रहता है तो इसमें थोड़ा कम डालिएगा, हाफ चम्मच जितना सॉल्ट और हाफ छोटा स्पून ब्लैक पेपर, ये इससे इसका बहुत ही डोसे का बहुत ही टेस्ट जबरदस्त होगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, दो मिनट तक इसी तरह से चलाते रहेंगे, फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके मैं रखूंगी ताकि ये हमने इसमें सूजी थोड़ी डाली है तो वो पूरा अच्छे से भीग जाए। कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे, इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। जब तक हमारा डोसा बैटर रेस्ट कर रहा है तो आइए एक हम कोकोनट की चटनी बना लेते हैं। तो आइए, मैंने एक कटोरी ये नारियल, फ्रेश नारियल है, उसको कद्दूकस कर लिया इस तरह से, तो ये इसमें डालेंगे और इसके साथ मैं एक छोटा चम्मच चना दाल डालूंगी, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया हल्का सा, और एक छोटा चम्मच उड़द दाल है इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया, और इसमें एक चम्मच जितना हम दही डालेंगे। इन सब चीज़ों को कवर करके ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने ये चटनी को ग्राइंड कर लिया है पर अभी बहुत ही थिक है तो इसके साथ अभी मैं डालूंगी सॉल्ट, नारियल की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हल्का सा तड़का लगा लेते हैं। चटनी में तड़का लगाने के लिए मैंने एक कड़छी ली है और गैस को हल्की आंच पे खोल दिया, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच राई। ये अब हमारी राई झटकना स्टार्ट हो गई है, अब इसमें डालूंगी मैंने 6-7 कड़ी पत्ते लिए, उनको छोटे छोटे पीस में कट कर दिया,
ये विघार हमारा रेडी है। अब डालते हैं ये हमारी चटनी। शानदार हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है और डोसे को 5 मिनट हो गए। डोसे को बैटर रखे हो, ये भी अच्छे से प्रेस कर चुका है। देखो ये अच्छा सा हो गया लिक्विडी। अब इसका आइए हम डोसा रेडी करते हैं। ये हमारा तवा बिल्कुल अभी गर्म हो चुका है रेडी। अभी इसमें ये इस तरह से कड़छी लेंगे और इसके डोसा का बैटर डालेंगे और इस तरह से हम इसको फैलाएंगे। ये हमने डोसा इस तरह से अच्छे से फैला दिया है। उसमें थोड़ा सा चारों तरफ से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2-4 ड्रॉप्स इतना। जैसे ये पूरा सिक जाएगा उसके बाद हम इसकी साइड टर्न करेंगे। आराम से उतरना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसको ये देखो कॉर्नर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। वाह, आप ये देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है आपका। अगर ये ज्यादा चिपक रहा है, आपसे आसानी से नहीं निकल रहा है, तो आप इसमें 1 चम्मच राइस पाउडर ऐड कर सकते हो। अदरवाइज ये जो हमने डाला है बिल्कुल सही है। अब इसका हम बिल्कुल ये क्रिस्पी रेडी हो चुका है। इसको प्लेट पे निकाल दें। ये क्रिस्पी डोसा हमने प्लेट पे निकाल दिया है। इस तरह से एक और भी निकाल देते हैं। हमारा तवा बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छे से फैलाएंगे। ये भी इसका भी नीचे वाला साइड बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी लग रहा है। तो इसका अब हम आराम आराम से इसका साइड निकाल लेंगे। ये देखो कितना जबरदस्त डोसा बना है और बहुत ही क्रिस्पी। आप ये एक बार ये डोसा बनाओगे तो वो भूल जाओगे उसका बैटर लाके और डोसा बनाना। चावल राइस ये भिगो के रखना बहुत टाइम लगता है। ये एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये हमारे वाटरमेलन के स्किन से बना हुआ डोसा क्रिस्पी रेडी हो चुका है और इसके साथ मैंने कोकोनट की चटनी बनाई है। अगर आपको मसाला डोसा करना खाना चाहते हो तो मैंने इसके साथ आलू की सब्जी और रेड टमाटर की चटनी भी बनाई है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।